नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ चाईबासा के सदस्यों ने आज सीआरपीएफ के जवानों और पदाधिकारियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जिला स्कूल स्थित 197 बटालियन के कैंप में आयोजित सीआरपीएफ जवानों को राखी बांध कर बहनों ने सुरक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी ऑपरेशन सानंद कमल, कमांडेंट परम शिवम के अलावा अन्य पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। बहनों ने करीब 160 जवानों की कलाई पर राखी बांधी, उनकी आरती उतारी और मीठा खिलाया। राखी में उनके घर से बाहर रहने वाले जवानों को बहन की कमी महसूस ना हो, इसके लिए रोटरी क्लब की ओर से रुंगटा ग्रुप के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झिकपानी प्रखंड के सुरजाबासा उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में मां बुरु देशावली वीर समिति के सौजन्य से बने सेया सगेम लाइब्रेरी का उद्घाटन झिकपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन चौधरी ने किया। इस मौके पर अंचलाधिकारी अनुप कच्छप, डुमरिया की बीडीओ साधुचरण देवगम, महिला कॉलेज की प्राचार्या सलोमी टोपनो मौजूद रहे। लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए प्रभात रंजन ने कहा कि शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए लाइब्रेरी खोलने की मुहिम चलाई जाएगी, इसके लिए हर संभव मदद किया जाएगा। अनुप कच्छप ने कहा कि पुस्तकों का अध्ययन कर प्रतियोगिता में भाग लेने के लायक छात्रों को बनाना है। लाइब्रेरी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। घाटशिला कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर मित्रेश्वर अग्निमित्र ने कहा कि सुरजाबासा में ज्ञान का सूर्योदय हो गया है। आने वाले समय में यहाँ के बच्चे ज्ञान प्रकाश पुंज में जगमगाते नजर आएंगे। इस मौके पर कोल्हान डिजिटल लाइब्रेरी ग्रुप और मस्कल फाउंडेशन कमार हाथु की ओर से प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी पुस्तकें और कॉपियां दिया गया। चक्रधरपुर में रक्षाबंधन त्योहार पर अपने पोता को लाने झरझरा गए केरा गांव के एक वृद्ध गोलक साहू की घर वापसी के दौरान नहर पुलिया के नीचे स्कूटी के साथ गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोलक साहू जब स्कूटी से गांव लौट रहे थे, इस दौरान उनके सामने सड़क पर बकरियों का झुंड आ गया। बकरियों को बचाने के दौरान गोलक साहू की स्कूटी अनियंत्रित हो गई और स्कूटी के साथ वे ब्राह्मणी नदी की पुलिया से नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में उनके कमर और शरीर में गंभीर चोटें लगी। आनन फानन में उन्हें चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सुमिता होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सदानंद होता अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। इधर घटना के बाद केरा गांव में मातम पसर गया है। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से संत जेविस उच्च विद्यालय लुपुंगुटू में पौधारोपण किया गया, जिसमें 30 विभिन्न प्रजातियों के पौधा का रोपण किया गया। पौधारोपण में आम, कटहल, नींबू, सागवान, शीशम आदि प्रमुख हैं। कार्यक्रम में रोटेरियन महेश खत्री ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा बेहद आवश्यक है। सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। क्लब के सचिव विकास दोदराजका ने कहा कि विद्यार्थी अपने किशोर जीवन से ही प्रकृति के महत्व को समझें और उसके संरक्षण और विकास का समुचित ध्यान रखें। घनश्याम गागराई ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रकृति की सुरक्षा से ही हम सभी की सुरक्षा संभव है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर किशोर ने प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। झामू सदर प्रखंड संयोजक मंडली के नेतृत्व में लागिया गांव में पंचायत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में झामू की नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झामू में शामिल होने वाले युवाओं का विधायक दीपक बिरवा और सदर प्रखंड संयोजक मंडली के सतीश सुंडी ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में विधायक ने कहा कि
29 अगस्त को झिकपानी में आयोजित संयुक्त सम्मेलन में हर पंचायत से 5-5 प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जन समस्याओं को सजग होना होगा ताकि पार्टी के सिद्धांत और कार्यकर्ताओं की सजगता देख अन्य नए लोग भी प्रभावित होकर जुड़ सके। भाई बहन के स्नेह और भरोसे का त्योहार रक्षाबंधन पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों को प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन का इंतजार रहता है। आज के दिन को बहना हर्ष उमंग और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाती हैं। इस दिन बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर भाई के दाहिने कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाई ने बहन की हर मुसीबत में साथ देने और उसकी रक्षा करने का प्रण लिया। भाई की कलाई में राखी बांधने के बाद बहनों ने नए नए परिधानों में बाजार में घूम घूम कर अच्छे अच्छे व्यंजन का लुत्फ़ उठाया। भाई के द्वारा आशीर्वाद में मिले रुपए का खुलकर बाजार में खर्च किया। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद थे, लेकिन होटल और कुछ ठेले खुमचे की दुकानें खुली हुई थी। एसीसी सीमेंट कंपनी झिकपानी के लीज प्रभावित गांव के ग्रामीण सोमवार को कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देंगे और मुआवजा एवं नौकरी की मांग को लेकर ज्ञापन। मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा की उपस्थिति में आज कोंदवा गांव में एक बैठक हुई, जिसमें कल के कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि एसीसी कंपनी से प्रभावित जो भी ग्रामीण हैं, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए धरना प्रदर्शन के जरिए हम अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं। हमारा जो लड़ाई है, जो एसीसी कारखाना जितने भी जमीन मालिक हैं, चाहे जोड़ा पुकर के हों, चाहे कुदाहतु रजंका दुकट्टा के हों, जिसके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ है, जिसको आज तक नौकरी नहीं मिला है, जिसको उसका हक अधिकार नहीं मिला है, जिस कारण से वो जितने भी जमीन मालिक हैं आज या तो बेरोजगार हैं या गरीब हैं और उसकी स्थिति बस से बदतर है, और कंपनी लगातार जमीन लेने कारण से आज भूमिहीन हो रहे हैं। ऐसे स्थिति पर उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन कल है, और इस धरना प्रदर्शन के द्वारा हम लोग एसीसी कारखाना के द्वारा जो इस क्षेत्र में लूट किया है, जो सरकार का राजस्व का लूट किया है, आदिवासियों के जमीन का संपत्ति का लूट किया है, उसका हम लोग पूरा डिटेल देने जा रहे हैं। आमतौर पर पुराने हो चुके सामान को हम फेंक देते हैं, पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन चैम्बासा के युवा ने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके एक मिसाल पेश की है। विशाल देवगम नामक इस युवा ने अपनी अनोखी सोच से लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने का काम किया है कि किस तरह से हम अपनी पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जेब का बोझ भी कम कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण का भी काम हो सकता है। विशाल देवगम ने चैम्बासा में रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें पुराने टायर और लोहे के ड्रम से कुर्सी और टेबल तैयार किया है। विशाल ने कहा कि चैम्बासा में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा है, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके एक नया प्रयोग किया गया है। अब देखना है कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं। चैम्बासा में अभी तक अगर वैसा कॉन्सेप्ट उठाया नहीं है, तो उस हिसाब से हम सोचे कि कुछ यूनिक होना चाहिए, टायर में मतलब जो रिसाइकल यूज हो उस टाइप से, टायर से ड्रम से अलग अलग तरह से थोड़ा सा डेकोरेशन लाइटिंग में थोड़ा सा यूनिक, बाकी जैसे रेस्टोरेंट में सारा सेटअप सिंपल रहता है और इसको
क्लासिक लुक में ज़्यादातर रहता है ना रेस्टोरेंट सर, तो हम सोचे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यूनिक लुक दें, फैंसी लुक दें। नहीं, देखा गया कि जो चीज़ें वेस्ट हो जाती है, जिसे लोग वेस्ट कर देते हैं, उन सारी चीज़ों को आपने यूज किया है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपके दिमाग में ये सोच आई? थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखते हैं। तो चाईबासा के लोगों के लिए क्या नया आप देंगे यहाँ पर? यहाँ पे सारा चीज़ देंगे, जैसे यहाँ क्या बोलते हैं, पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच वगैरह, और डिजर्ट्स में सारा चीज़ रहेगा, इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज तंदूर, और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में मॉकटेल वगैरह। तो क्या होम डिलीवरी की भी व्यवस्था? हाँ, होम डिलीवरी सर्विस में रहेगा, और वेबसाइट भी इसका बहुत जल्दी लॉन्च होगा, वेबसाइट के लिए भी तैयारी चल रहा है, वेब्स कंप्लीट रूटीन करके एक दो दिन में रेडी हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।